पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ स्क्वायर वन कॉम्प्लेक्स निकट श्रीराम चौक काशीराम नगर मुरादाबाद में हवन पूजन के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और मुरादाबाद क्लस्टर के प्रभारी जसवंत सिंह सैनी और भाजपा पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने हवन में आहुति देकर फीता काटकर उद्घाटन किया। पूजन और हवन विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पंडित रविंद्र शर्मा ने संपन्न कराया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। हम सभी को पूरी ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत, लगन के साथ इस लोकसभा चुनाव में दिन रात एक कर देना है और कमल को खिलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद 400 से अधिक फूलों की माला पहनेंगे। इसमें एक फूल मुरादाबाद लोकसभा सीट का भी होगा। राज्य मंत्री जसवंत सैनी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। 2014 की भांति इस बार भी मुरादाबाद लोकसभा के साथ मुरादाबाद मंडल की सभी लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल ऐतिहासिक मतों के साथ खिलेगा। आज मुरादाबाद लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अभी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा जीतने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। अभी मुरादाबाद में कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं हुआ है और आसपास की जो सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं नाम फाइनल हो गया, क्या माने है? प्रक्रिया है, पार्टी ने जहाँ अच्छा लगा वो घोषित कर दिया, यहाँ भी जल्द ही घोषित हो जाएगा और फिर कमल का फूल हमारे साथ है। कमल का चुनाव चिन्ह है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम लगा हुआ था, ये कार्यक्रम जो है पार्टी के जनरल इलेक्शन होगा उसके लिए पार्टी का ऑफिस यहाँ पर पार्टी ने खोला है खास के इलेक्शन के लिए और इसी उद्घाटन के लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।